हमें सिर्फ एक जीवन मिला है, फिर एक दिन मुझे और आपको सबको मिट्टी में मिल जाना है। चिता की लपटों में, कब्र की जमीन के नीचे, फिर कोई नहीं तुझे वापस खींचे। टिक 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 टिक, घड़ी चल रही है, हर दिन हम दोनों का समय कम हो रहा है और जिंदगी लिमिटेड है। तुम्हें एक बीमारी है जिसका इलाज तुम कहीं और ढूंढ रहे हो, बल्कि इलाज तुम्हारे भीतर है। इंतजार की बीमारी, इंतजार तैयारी का, इंतजार सही समय आने का, इंतजार पूरे कॉन्फिडेंस का, और यही खात्मा होता है तुम्हारे सपनों का, हर उस चीज का खात्मा जो इस जीवन में तुम पा सकते थे। इंतजार पैसे आने का, इंतजार वजन कम होने का, इंतजार पूरे संसाधन होने का। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, इंतजार तो मौत तक चलता रहता है, एक संकल्प ही तुझे जिंदा रखता है। सक्सेस के लिए किसको नहीं पता हार्डवर्क करना है, किसको नहीं पता जल्दी जगना है, किसको नहीं पता डिस्ट्रैक्शन से बचना है, लेकिन फिर भी क्यों सिर्फ 10% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, 90% लोग सिर्फ बातें ही करते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी तक तेरी तरह सिर्फ वेट कर रहे हैं, उन्हें सब आसान लग रहा है। भाई मुझे नहीं पता मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, भाई मुझे नहीं पता मैं कुछ बन पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैं आगे भी नहीं बढ़ रहा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अरे कुछ होगा या नहीं, कुछ बनोगे या नहीं यार, कम से कम चलते तो रहो, कहीं पहुंचने के लिए चलना तो पड़ेगा ना। अभी तो तेरे 100% चांस है कि तू कुछ नहीं कर सकता, चलते रहे तो तेरे 50% चांस तो है ना कि तू कुछ बन सकता है। आज मुझे कमेंट में ये वादा करना कि आज इंतजार की बीमारी को तुम खत्म करोगे। शेर की शेरगिरी तब तक जब तक वो शिकार करता रहे, पंछी की आजादी तब तक जब तक वो ऊंचे से ऊंचा उड़ता रहे, फूल की कीमत तब तक जब तक उसमें से खुशबू आती रहे, और तेरे जीने का मतलब तब तक जब तक तू आगे बढ़ता रहे। मैं अब वेट नहीं करूंगा, मैं अब काम करूंगा। जब जब मैं काम करता हूं तब तब मुझे वो मिलता है जिसकी कोई कीमत नहीं, या तो सफलता या फिर सीख। आज से और अभी से उससे दूर भागना बंद। पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई से दूर भागना बंद। बिजनेस करते हो तो नई नई टेक्नोलॉजी से दूर भागना बंद। जो जरूरत है उसे सीखो ताकि तुम पास हो सको। याद रखो सब कुछ तुम्हारा है, बना ही तुम्हारे लिए है। एक बार सोच के तो देख, तेरी तरह अगर इसरो के साइंटिस्ट भी रुक जाते तो आज भारत चंद्रयान मिशन को अंजाम ही नहीं दे पाता। तेरी तरह अगर वो क्रांतिकारी भी रुक जाते तो आज देश आजाद ना होता। तेरी तरह अगर वो वीर जवान भी दुश्मन से भिड़ने से रुक जाता तो आज उसकी जगह तेरा लहू बह रहा होता, तेरा लहू बह रहा होता। दोस्त शुरुआत में हो सकता है सब कुछ परफेक्ट ना हो सकता है सब कुछ अस्त व्यस्त हो सकता है सब कुछ सही ना लगे, हो सकता है सारे दाव उल्टे लगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जब तू शुरू करेगा तो वो चीजें सीखेगा जिससे वो नहीं हो सकता। मेहनत का एक भी अक्षर व्यर्थ नहीं है, तेरा एक्सपीरियंस किसी स्वर्ण मुद्रा से कम नहीं है। जो भी आज इस वीडियो को देख रहा है ना दोस्त, आज से अभी से सही रास्ते पर आ जाओ, उस घड़ी की टिक टिक से भिड़ जाओ पूरी ताकत के साथ। जितना जल्दी आज तुम समझ लोगे, आई एम फुल्ली श्योर कि आज से ही बेटर लाइफ आपका इंतजार कर रही है। खुद इंतजार करना बंद करो, आज से उस बीमारी को दूर करो और लग जाओ पूरे जोश और होश के साथ कि ये दुनिया भी तुम्हारा इंतजार करे तुमसे मिलने का, और वो खुदा भी इंतजार करे तेरे झुकने का, तेरे रुकने का, तेरे थकने का। दोस्त अगर बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बीमारी से निकल सकें। अगर तुम में कुछ पावरफुल और अलग करने की भूख है तो हमारे साथ हमारे प्रयास का हिस्सा बनो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करना। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड कमिटमेंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम।